And the BJP now going in all guns blazing into the Delhi Assembly election. Some of the top central leaders, including ministers, have been given responsibility to campaign in Delhi. They met party chief Amit Shah just a short while earlier. In a press conference after that meeting, senior leader Anand Kumar said the BJP will not issue a manifesto. Instead, there would be a vision document. Prime Minister Modi is also expected to hold 4 rallies in the national capital before it goes to polls on the 7th of February. देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र आएगा, विजन डॉक्यूमेंट आएगा, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र नहीं होगा, हमारा विजन डॉक्यूमेंट होगा जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, किरण बेदी जी के अगुवाई में हम यहां अमल करने वाले हैं, कार्यान्वित करने वाले हैं। जो स्टिंग ऑपरेशन का दिल्ली में मास्टरमाइंड है, अगर वो अपनी ऐसी आशंका जाहिर करे जिस तरह से झूठ के मास्टरमाइंड है, उसी तरह से दिल्ली के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने अविश्वास समाज के अंदर पैदा किया है तो वो केजरीवाल हैं। सरकारी कर्मचारियों के अंदर अगर अविश्वास पैदा किया है सिस्टम को लेकर के, तो मुझे लगता है कि जो स्टिंग का मास्टरमाइंड है उनको इस तरह के डर होने की जरूरत नहीं है।